प्रदेश के जनपद रामपुर के काठगोदाम बाईपास के लिए बग्गी गांव के लोगों का रास्ता बंद कर देने की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों का पारा चढ़ गया है। गुस्साए लोगों ने नैनीताल रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान चेतावनी दी कि यदि रास्ते को बंद किया गया तो आंदोलन होगा। काठगोदाम बाईपास के लिए गंज क्षेत्र के बग्गी गाँव से ही रास्ता निकाला जा रहा है। इसके लिए जमीन का भी अधिग्रहण किया जा चुका है। अब गांव के लोगों को जानकारी मिली है कि बाईपास के लिए मुख्य रास्ता बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनको आने वाले दिनों में दिक्कत होगी। इसको देखते हुए ही ग्रामीणों का पारा चढ़ गया है। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बाद में पुलिस ने पहुंचकर किसी न किसी तरह जाम खुलवाया। रामपुर यूपी से जार टीवी न्यूज के लिए नाजिम अली की रिपोर्ट। हमारा रास्ता छोड़ा जाए, अंडरपास हमारे गांव का जो छोड़ा जाए, हमें विरोध है। इस रास्ते से कितना नुकसान हो रहा है? इसमें तो पूरे गांव, सारे गांव का नुकसान है। गांव जोड़ते हैं मेरे ख्याल से 200, इस रास्ते से पूरा गांव जोड़ते सारे मैन रोड है। तो आज किन समस्याओं को लेकर आप इसको अपना इस रास्ते खुलवाने के लिए किया? हमने किसको लेटर देना है, किसको ज्ञापन? हमने ज्ञापन दिया, डीएम साहब को भी दिया, इनके हाईवे वालों को भी दिया, एक हाईवे वालों को दे दिया हमने लेटर। अगर ये आपकी मांग नहीं सुनते हैं, आपके क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे। आज जाम लगाया आपने? यहाँ जाम लगाने की कोशिश करिए, अगर नहीं होगा तो फिर और इससे आज भी जाम लगा। क्या नाम है आपका? अनिश अहमद बप्पू प्रधान। और कौन बताएगा जी? मतलब हिंदू मुसलमान सब, जब बाईपास ये रास्ता हमारे गांव का बंद हो जाएगा तो लोग मतलब एसी लेटरिन बाथरूम सब में जाते हैं, तभी परेशान हो जाएंगे। क्या ये जो फैक्ट्री कम से 40-50 फुट बची? ये भी पहले फैक्ट्री में आ गया था, फिर फैक्ट्री बता दी गई, तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक इन्वॉल्व है। मिली भगत मानते हैं आप अथॉरिटी की? हाँ, डाडी है, पैसा का मैटर है कुछ ना कुछ। चलो।